नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल दुनिया पिंटू। दोस्तों देखिए, रेलवे को लेकर मैं लगातार आजकल अपडेट दे रहा हूँ। इस कड़ी में रेलवे को लेकर तीन बड़ी धमाकेदार अपडेट आने वाली है जो आप सभी को जानना जरूरी भी है अगर आप रेलवे की इस जानकारी में इंटरेस्टेड होते हैं। आपको पता होगा कि मोदी की नई सरकार बनने के बाद पहली बार रेल बजट पास होगा, यानी कि पूरे का पूरा हर मामले को लेकर बजट पास होने वाला है और ये बजट जो है वो 24 तारीख से आई थिंक 23 या 24 तारीख से शुरू होने वाला है। पार्लियामेंट में सारे मुद्दों पर बिल पास होगा जिसमें रेलवे का भी एक अहम भूमिका माना जा रहा है। रेलवे की अहम भूमिका में तीन अपडेट सामने आया है जो कि बजट पास होने के बाद ये लागू किया जा सकता है, जो इंटरेस्टिंग है। लास्ट वाला तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत पहले से करते हैं। जी हाँ, बात करें तो पहला अपडेट ये है कि जिस तरीके से बुजुर्ग लोगों का सीनियर सिटीजन को लेकर टिकट पर जिस तरीके से माफ़ी जो है ख़त्म कर दिया गया था, राहत नहीं मिल रही थी बुज़ुर्ग लोगों को, काफ़ी परेशानी भी हुई थी, कई लोग इस पर आवाज़ भी उठाए थे, लेकिन ये मामला सुलह नहीं हुआ था। लेकिन जो अब बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि अब सीनियर सिटीजन्स को, यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो काफ़ी उम्र में यात्रा करते हैं, उनको यात्रा में छूट मिल सकती है पैसे के मामले में हो, और उनको सीट में रिजर्वेशन भी मिल सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा रेल बजट में इस पर क्या कुछ होता है, लेकिन ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जो रेलवे है वो अपना एक सुपर ऐप लॉन्च करने वाला है। सुपर ऐप मतलब जो एप्लीकेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा सुपर होगा। सुपर मीन्स मतलब आप समझ गए होंगे कि उसमें हर प्रकार की एक्टिविटीज होगी, चाहे हम वेटिंग टिकट्स के चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे उसकी बात होगी, टिकट कैंसिलेशन की बात होगी, टिकट प्रिंट्स की बात होगी, टिकट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है उस सुपर ऐप में, यानी कि एक जगह, एक प्लेटफॉर्म, एक एप्लीकेशन पर आपको सारे सॉल्यूशंस, सारे जो हल हैं वो आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो सुपर ऐप जो है अपना इंडियन रेलवे जारी करने वाला है जिसमें हर प्रकार की चीज़ों का सॉल्यूशन आप सभी को मिलने वाला है, तो ये दूसरा अपडेट है। तीसरा अपडेट ये है कि प्रयागराज जो है वहाँ पर स्लीपिंग पोर्ट आपने एयरपोर्ट का नाम सुना होगा, एयरपोर्ट कान का पोर्ट जिसमें कि आप लगाकर गाने सुनते हैं, तो कुछ उसी तरीके का स्लीपर पोर्ट भी जो है इलाहाबाद प्रयागराज में खुलने वाला है। कई तरह के वेराइटीज़ ऑफ कलर होंगे और उस कलर से जो है वो आइडेंटिफाई होगा कि ये महिला के लिए, ये पुरुष के लिए है, ये जो है कपल्स के लिए है, जिसमें आप जो है सो सकते हैं, अच्छी खासी नींद ले सकते हैं, और ये जो होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होगा, बहुत ज़्यादा लग्जरियस होगा, जिसमें आप आराम से अपनी यात्रा जो है वो कर, अपनी जो आराम फरमाना है वो जो है वो आप फरमा सकते हैं, और इसके अलग अलग चार्जेस जो हैं वो रखे गए हैं, अलग अलग चार्ज जो हैं वो आपको लगेंगे, जिसके माध्यम से आप जो है उसमें रेस्ट कर सकते हैं। उस पॉड में आपको चार्जिंग पॉइंट और भी डिफरेंट कई सारी कैटेगरीज मिलने वाली है, ठीक है। तो ये एक बड़ी झक्कास अपडेट है। अगर मैं बात करूँ प्राइस रेंज की, तो मैं आपको इस कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाता हूँ कि सिंगल स्लीपिंग पॉड का शुल्क 1 घंटे के लिए 150 रुपये देना होगा, 3 घंटे के लिए 350 देना होगा, 6 घंटे के लिए 500 रुपये और 9 घंटे के लिए 700 रुपये देना होगा, 12 घंटे के लिए 1050 रुपये और 24 घंटे के लिए 1450 रुपये है। डबल स्लीपिंग पॉड का शुल्क 1 घंटे के लिए 200 रुपये है, 3 घंटे के लिए 700, 6 घंटे के लिए 900 है, 12 घंटे के लिए 1800 और 24 घंटे के लिए 2400 रुपया है। तो ये एक अच्छा फैसिलिटी स्टार्ट कर रहा है रेलवे, जहाँ पर स्लीपिंग पॉड मिलेगा आपको, पैसे देकर आप आराम से वहाँ पर सिक्योरिटी के साथ, सुरक्षा के साथ बेहद लग्जरी तरीके का आप जो है वहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम फरमा सकते हैं। तो एक अपडेट था, मुझे आपको बताना चाहिए। बाकी इन तीनों अपडेट में आपकी राय क्या है, रेलवे बजट से आपकी क्या उम्मीद है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताएं। धन्यवाद।